दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष क्या ऐसा होता है घर ऑडियो स्टोरी का पार्ट टू लेके आया हूँ। आपने इस ऑडियो स्टोरी का पहले सॉन्ग तक स्टोरी सुनी थी, अब आगे की स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। शाम का वक्त था, सत्यनारायण के मित्रगण शोक में आए हुए थे। तभी बच्चा रोने लगा। रोने का बच्चे का रो रो कर बुरा हाल था। बच्चे की चीख सुनकर सत्यनारायण जी के मित्र बोले, भाई सत्यनारायण, एक बात कहना चाहता हूँ। सत्यनारायण जी की हालत तो ऐसे ही बहुत बुरी थी। ऐसे में मैं आपसे कैसे बताऊं? सत्यनारायण जी के मित्र, भाई की आपकी पत्नी रही नहीं, आपका छोटा बेटा और बूढ़ी दादी माँ को तो दूसरे सहारे की जरूरत है। बूढ़ी दादी एक बच्चे को परवरिश कैसे कर सकती? दादी को भी तो सहारे की जरूरत है भाई। सत्यनारायण जी अपने दोस्त जो बात कहना चाहता था वो पहले ही समझ गए। सत्यनारायण जी बोले, मित्र मैं आपसे क्या बताऊं? मैं सहमत तो हूं आपकी बात से, लेकिन इस जमाने को देखते हुए मैं बच्चों के लिए हमारा प्यार कम ना पड़ जाए। दूसरे दिन सत्यनारायण जी अपनी साइकिल पे अपने बड़े बेटे को बिठाए स्कूल से घर वापस लेकर जा रहे थे। सत्यनारायण जी अपने गांव के किनारे ही पहुंचने वाले थे, तभी एक तांगा वहीं से उनके पास से निकला। उस तांगे में कुछ सवारी बैठी थी। तांगे के आगे कुछ बदमाशों ने लूट फांद करने के इरादे से पीछा कर रहे थे। उस तांगे में लड़कियां औरतें बैठी थी, वो उनसे छीना छपटी करने लगे। उन बदमाशों में एक मारपीट भी रहा था लड़कियों को, और उसमें से एक लड़की तांगे से उतरते हुए एक बदमाश को थप्पड़ मार देती है कि सारे बदमाश उस लड़की पर झपट पड़े, और लड़की चीखने लगी, कोई हमें बचाओ बचाओ इन बदमाशों से। सत्यनारायण जी तभी वहां पहुंच गए। सत्यनारायण ने उन बदमाशों से निपटने के लिए पहुंच गए। सत्यनारायण जी ने
सारे बदमाशों की धुनाई की। सारे बदमाश वहां से भाग निकले। बदमाश वहां से यह कहते कहते निकल गए कि मैं तुझे किसी और दिन देख लूंगा। सत्यनारायण ने लड़की को बदमाशों के चंगुल से बचा तो लिया। लड़की सत्यनारायण को अपनी मदद करने के लिए धन्यवाद देती है और कहती है, मैं आपने हमारे लिए इन जैसे बदमाशों से झगड़ा मोल लिया। कौन किसके लिए लड़ता झगड़ता है। सत्यनारायण, एक इंसान होने के नाते मैंने इंसानियत का हक अदा किया। मैंने आप पर कोई ऐसा लड़की सत्यनारायण को अपना परिचय देती है। सत्यनारायण जी परिचय देने से पहले बोले, जो भी व्यक्ति दूसरों के लिए न लड़ सका तो वह अपने लिए क्या लड़ेगा। यह बात शांति को बहुत अच्छी लगी और वो मन ही मन मुस्कराने लगी। उसके बाद शांति ने अपना नाम सत्यनारायण को बताया। सत्यनारायण जी, मेरा नाम शांति। उसने कहा कि मैं अपनी बड़ी बहन के घर जा रही। घर पहुंचकर अपनी बहन को वो सारी बात घटना बताई। शांति की बड़ी बहन ने कहा कि सत्यनारायण एक सामाजिक व्यक्ति है। सत्यनारायण के विषय में सारी बात बताई। सत्यनारायण बुरा नहीं है, ना कि वो किसी के साथ बुरा व्यवहार करता है, बुरे लोगों का साथ कभी नहीं देता। शांति मन ही मन में सत्यनारायण से प्रेम करने लगती। उसने सोचा कि ऐसा त्यागी, ऐसा किसी के बुरे वक्त में काम आने वाला इंसान किसी को मिले या न मिले, पर हमारे सामने तो आ गया। उसके मन में यही बात आई। वह सत्यनारायण से मन ही मन में प्रेम करने लगी। मानो उसके जीवन में सारी खुशी आज ही मिली हो। सत्यनारायण की यादों में वह एक गीत गाती है, स्वर्ग से सुंदर तेरा मनवा करूं मैं तुझसे दुलरुआ। ये हमारी ऑडियो स्टोरी का दूसरा गीत है, दूसरा पार्ट। दोस्तों, फिर किसी दिन आपके समक्ष मैं लेके आऊंगा। और आपको ये हमारी स्टोरी पसंद आई हो दूसरे पार्ट तक, तो इस स्टोरी को लाइक करना और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देना और शेयर जरूर करना। इसीलिए और इसी तरीके की मैं स्टोरी आपके समक्ष लाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।